चैनल ग्लैम विद ताशा। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैंने वीडियो अपना स्टार्ट कर दिया है। आज ही संडे है तो बहुत संडे वाला दिन ना एकदम लेजी लेजी सा हो जाता है। कहने को तो ऐसा पूरा मतलब हफ्ता निकल जाता है, वेट करना होता है कि कब संडे आएगा कब आएगा, बट चुटकियों में निकल जाता है, देखते देखते पता ही नहीं चलता है क्योंकि इतना लेजी वाला दिन रहते हैं। ऐसे आलस खाते खाते पूरा संडे वाला दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस अभी सुबह की शुरुआत हो गई तो मैंने सोचा मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह फेस में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है कुछ लोगों को नहीं होता है, बट मुझे होता है। जैसे मेरा वैसे भी फेस अब पूरी बॉडी के कंपेयर में थोड़ा सा चबी चबी सा है, और सुबह सो करके उठो ना तो और ये थोड़ा सा ना ऐसा पूरा फूला फूला सा लगता है। फिर धीरे धीरे दो चार घंटे बाद मतलब दोपहर आते आते नॉर्मल हो जाता है, बट सुबह सुबह थोड़ा सा ना आवाज़ भारी रहती है, फेस में स्वेलिंग रहती है। बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। तो चलते हैं अभी अपने काम में लगते हैं। जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, तो सोच रही हूँ ब्रेड रखे हैं, सैंडविच ही बना लेती हूँ, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो वेजिटेबल भी रखी है तो सैंडविच ही बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच में मैंने सबसे पहले सैंडविच स्प्रेड लगा दिया है नीचे ब्रेड में, और इसके बाद एकदम बारीक मैंने प्याज और शिमला मिर्च कट किया हुआ था, तो उसमें ऑरिगैनो, नमक, थोड़ा सा नींबू वगैरह सब कुछ मिला करके उसको लगा दिया। फिर थोड़ा थोड़ा सा चीज़ ऊपर से लगा दिया है, तो बहुत सिंपल सा सैंडविच मैंने बनाया हुआ है और ज़्यादा बनाया भी नहीं है। सैंडविच बन गए हैं और ऐसे वाले सैंडविच बहुत टेस्टी लगते हैं, और मैंने थोड़ा सा ना कम ही बनाया ताकि दोपहर में खाना खाने की भूख रहे। अभी मैं पीछे साइड आई हूँ, हमने ये मैट्रिक्स कवर डाला हुआ था, बहुत दिन हो गया था धूप नहीं दिखाए थे, तो मैंने इसको कल डाल दिया था दोपहर में, और फिर बिल्कुल भी दिमाग से मतलब निकल ही गया था दिमाग से, और दोपहर में बारिश हुई पूरा गीला हो गया था, तो ये मतलब उल्टा ही हो गया था। तो फिर इसको पूरा एक दिन तक पड़ा रहने दिया है, और आज बहुत अच्छी धूप निकली है तो इसको मैं हलट पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। दोपहर का टाइम है, अभी खाना खा लेते हैं। तो बस मैं खाना निकाल लेती हूँ, और सिंपल खाना बना हुआ है आज, दाल चावल रोटी आलू भिंडी की सब्ज़ी। वैसे आलू भिंडी की सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद है ना कि कोई अच्छा से अच्छा आइटम रखा हो और एक तरफ आलू भिंडी की सब्ज़ी रखी हो तो मैं वही खाना प्रेफर करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इनको उतना नहीं पसंद है। स्टार्टिंग में तो जब न्यू शादी हुई थी ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते थे ऐसे टाइप की चीज़ें, भिंडी हो गई, तुरोई, लौकी, कुछ भी नहीं खाते थे। बट अभी मेरे साथ रहते रहते थोड़े बहुत खाने लगे हैं, उतना तब भी नहीं खाते हैं, बट हाँ ये है कि खा लेते हैं, दाल रहती है साथ में तो खा लेते हैं। उद्धव को देखो कितना परेशान कर रहा है। तो जब मैं किचन में कुछ करती हूँ ना तो तब इसको ऐसा रहता है कि नहीं मुझे मम्मा चाहिए या मुझे मम्मा के पास ही रहना है। वैसे ये भले ही अपने से खेलता रहेगा लेकिन ये किचन में नहीं मुझे देख पाता है, इसको रहता है कि या तो मम्मा मुझे अपने साथ किचन में ले लो या तो फिर चलो तुम ही बाहर चलो किचन से।
यहाँ पर डैडी और बिटू दोनों प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। वैसे तो सुबह के टाइम पे प्रॉपर पानी डालते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे भी हम लोग थोड़ा सा एक जग में ले करके हल्का हल्का सा छिड़क देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, बस हल्का हल्का सा छिड़क देते हैं, तो वो जो मिट्टी सूख जाती है ना पूरे दिन में, धूप इतनी तेज़ रहती है कि मिट्टी पूरी सूख जाती है। एक तो छोटे छोटे गमले हैं तो इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो मिट्टी को हल्का ना गीला कर देते हैं शाम के टाइम पर भी। अगर बारिश वाला टाइम रहता है तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर धूप निकलती है तो फिर हम लोग शाम के टाइम भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और अभी हम लोग घूम रहे हैं बाहर, और बेटू की डैडी क्या कर रहे हैं दिखाऊं आपको, पानी डाल रहे हैं। वैसे तो मैक्सिमम टाइम मैं ही डालती हूँ, आज पता नहीं क्या इनका मूड कर गया तो डालने लग गया, वरना ज़्यादातर टाइम ऐसा ही रहता है कि मैं ही डालती हूँ। क्यों मैं ही डालती हूँ ना, तो मतलब ये रहता है कि हाँ कभी कभी ये डाल देते हैं, कभी मैं डाल देती हूँ, बट ज़्यादातर टाइम ऐसा रहता है कि मैं ही डालती हूँ। लेकिन आज इनका मूड कर गया है तो ये डाल दिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। बेटू आओ इधर से, आओ इधर छत में घूम के आओ, आ जाओ आओ चलो। तो और आज ना बिल्कुल भी ऐसे ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी वैसा ठंडा ठंडा सा नहीं फील हो रहा है, थोड़ी सी ना ह्यूमिडिटी टाइप की फील हो रही है। बहुत बीच बीच में थोड़े बहुत हवा चल रही है, बट वैसे उतना ज़्यादा नहीं चल रही है। तो घूमते हैं अभी, और पहले सोच रहे थे कहीं जाएंगे बाहर, बट फिर यही हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल मन नहीं किया कहीं जाने का, अभी भी लगे हैं। तो इनको भी ना, ये भी तो मतलब मेरे जितने नहीं, लेकिन हाँ ये भी प्लांट लवर हैं, बट मैं थोड़े से ज़्यादा हूँ, मुझे तो मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मन करता है पूरे टाइम इनके साथ ना कुछ करती रहूँ। बट इनका भी रहता है कि नहीं देख रेख भी कर लेते हैं, टेक केयर करते हैं, सुबह के टाइम पे भी पानी डालना या फिर कीड़े लग रहे हैं तो निकालना। वैसे तो अभी माली भैया आते हैं वो सब कुछ कर देते हैं, बट फिर भी हम लोग भी अपने से करते रहते हैं। देखो बंदर आने लगे, वो देखो यार इस टाइम पे ये बंदर ना पता नहीं क्यों हमारी इधर ये जो इतना एरिया है पूरे इस एरिया में ही आते हैं, शाम के टाइम पे तो आते ही आते हैं। इनकी वजह से ही ना मतलब छत में निकलना मुहाल हो रखा है, मैं सच बताऊँ मन ही नहीं करता निकलने का, लगता है कि बच्चा छोटा सा है, पता चले मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाऊँ और बंदर आ जाए। बेटू मंकी आ गए हैं, मंकी अब क्या करोगी, डांस होने लगा। बेटू मंकी आ गए हैं, अब क्या करोगी। आज हम लोग कर रहे हैं गोलगप्पे वाली पार्टी, तो गोलगप्पे मंगा लिया था बाहर से। बेटू गोलगप्पे मंगा लिया था बाहर से, और बस अभी प्याज काट लेती हूँ, और पानी भी ना मैंने घर में ही बनाया है, दिखाऊँ आपको एकदम यमी यमी टेस्टी टेस्टी, क्योंकि पानी जो बाहर का रहता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, सॉरी। तो फिर इसलिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, गोलगप्पे मंगा लेते हैं और पानी घर में बना लेते हैं। हाँ यूमी, और इनको वहां से देखो फुल वेट कर रहे हैं कि ऐसे आलू, इसके लिए अलग से मैं बनाती हूँ ना, तो आलू और गोलगप्पे खा लेते हैं, इसको बहुत टेस्टी लगता है आलू और गोलगप्पे। तो संडे मतलब फंडे तो होना ही चाहिए, और संडे वाला दिन ही ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसे टाइप का हम लोग का रहता है कि सुबह, आज कुछ भी नहीं बना था, वरना मोस्टली हम लोग सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं, लाइक छोला भटूरा हो गया या फिर कुछ और हो गया, बट आज सिंपल खाना खाएंगे। तो फिर सोचे अभी चलो पार्टी करते हैं, काफी टाइम हो गया था नहीं भटूरा। नहीं उदो नहीं, नहीं।
ये मैं आपको दिखा दूँ, यम्मी यम्मी पानी, और साथ में है आलू मटर का रगड़ा, प्याज और गोलगप्पे। गोलगप्पे में जितना होता है सामान सारा कुछ है। और ये गोलगप्पे ना इतने सोंधे रहते हैं, इतने ज़्यादा आप खुद ही देख सकते हो, एकदम रेड रेड से पके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोंधे रहते हैं। तो बस अभी सारा कुछ बन गया, अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। और उद्दू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा था क्योंकि उसको ना आलू और गोलगप्पे बहुत पसंद है। मम्मा भी ट्राई करें। टेस्टी। ये मम्मा तो पानी भी देते हैं। Yummy?